नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बोतल गिर गई क्या भाई? बोतल गिर गया था, बोतल गिर गई थी, फिर आप भी गिरने लगे। अपने आप को संभाला जाता है। बड़ी नींद आ रही थी, अब नींद नहीं आ रही। नहीं नहीं, इसने बदतमीजी की है, एक बच्चे ने बदतमीजी की है। बच्ची अपनी बच्ची आकर वो सो नंबर लगाओ तो पापा आ रहा है अभी। हल ठीक है, उठा दोबारा मुझे खराब कर रखा है। कर दो फोन कर। अगर हर लड़की ऐसे बोलने लगे ना तो आप जैसे लोग नाचने लगेंगे। जालौन रक्षक ही बने भक्षक। पुलिस की मर्यादा को तार तार करने का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें नशे में धुत दरोगा ने बस में सवार नाबालिग लड़की के साथ की अश्लील हरकत। सवारियों ने मना करने के बावजूद नहीं माना नशेबाज दरोगा। जालौन के देवनगर चौराहे पर सवारियों ने नशेड़ी दरोगा को बस से उतार कर जमकर पीटा। छूट जाएंगे, बता तुम्हें शर्म नहीं लगी कि जरा सी बच्ची है और तुम ऐसा मतलब काम कर रहे हो? अरे ऐसे की तबियत तुम्हारी कैसे खराब थी? अबे तुम ड्यूटी कैसे कर रहे हो? ड्यूटी कर रहे हैं हम। ड्यूटी पे कहाँ पर ड्यूटी है तुम्हारी? हम जा रहे हैं कानपुर। कानपुर कहाँ ड्यूटी है? कानपुर में हम जा रहे हैं साहब पेशे होने। साहब तू पेशे ले जाए तो हां ना 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 दरोगा ललितपुर कोतवाली में पोस्टेड बताया जा रहा है, जिसका नाम एस के त्रिपाठी है। सवारियों के फोन पर मौके पर पहुंची जालौन कोतवाली पुलिस ने नशेड़ी दरोगा को लिया हिरासत में। वहीं जब जालौन पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो पुलिसकर्मी है जो कि ललितपुर में डायल 100 में तैनात है, जो कि अक्सर बीमार रहते हैं, वो अपना ट्रांसफर कराने के लिए आज अवकाश लेकर अपने वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष पेश होने घर जा रहे थे। तभी उरई में एक छात्रा जालौन जाने के लिए इनके बगल में आकर बैठ गई। रास्ता खराब होने के कारण, कुछ गलत फहमी के कारण ये अप्रिय घटना घटी है। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं अब ये गलतफहमी दूर हो गई है और दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया है। उस प्रकरण में ये जालौन कोतवाली क्षेत्र का मामला है। ये जो उसमें पुलिसकर्मी है, एक बुजुर्ग पुलिसकर्मी है जो ललितपुर जनपद में डायल 100 में तैनात है और अक्सर बीमार रहते हैं, वो अपना ट्रांसफ़र कराने के लिए वहाँ से उन्होंने अवकाश लिया था और उनको आज पेश होना था वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष। अपने घर की ओर जा रहे थे और बस में एक छात्रा आकर के बैठ गई और आपको पता है कि वो रोड भी ख़राब है, कुछ गलतफहमी हुई है जिसकी वजह से ये अप्रिय घटना घटी है। और अब मुझे जो जानकारी मिली है वो गलतफहमी दूर हो गई है और दोनों पक्षों में समझौता हुआ है।